हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम रौरकेला के क्रॉसरोड मॉल को एक्सप्लोर करेंगे। हाल ही में यहाँ पे एक फूड कोर्ट ओपन हुआ है। आज के इस व्लॉग में हम उस फूड कोर्ट को जाएंगे और देखते हैं वहाँ क्या क्या हमारे लिए अवेलेबल है। तो भाई, मॉल के इस पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क हो गई है। अब चलते हैं, देखते हैं मॉल कैसा है, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा है। यार, जब तक मैं रौरकेला में था तब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था डेवलपमेंट। जैसे ही मैं रौरकेला छोड़ के बाहर गया भाई, डेवलपमेंट इतना हो गया, कुछ नहीं था पहले। जिनको पता नहीं, ये बता दे कि क्रॉस रोड रौरकेला का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है राइट नाउ। बाहर का एंट्रेंस तो बहुत ही देखने लायक था, और क्योंकि सबको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एंट्री के वक्त फुल बॉडी सैनिटाइजेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत ही बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स ने उनका शॉप यहाँ पे ऑलरेडी खोल रखा है, और अभी भी कुछ शॉप्स खाली है जो कि जल्दी भर जाएंगे। ये मॉल टोटल 4 स्टोरी बिल्डिंग है, और यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको एस्केलेटर तो मिल जाएगा, लेकिन नीचे आने के लिए आपको आइदर स्टेयरकेस या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारे ब्रांडेड शॉप्स को देखने के बाद हमारी नजर एक शॉप पे पड़ी जिसका नाम था बाजार 99, जहाँ पे हमारा पचका हो गया। हमें लगा क्योंकि नाम बाजार 99 है तो अंदर भी सामान सारे 99 रुपीस में मिलते होंगे। तो मेरे पापा ने जब सिक्योरिटी गार्ड से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ 99 छोड़ के बाकी सारे प्राइस रेंज पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हमने वहाँ उसको टाटा बाय बाय करके आगे निकल गए, क्योंकि हमारा मकसद तो फूड कोर्ट में पहुंचना था। बाद में 3 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद हमें एहसास हुआ कि मम्मी और बहन तो कहीं नीचे ही रह गए, तो हमने डिसाइड किया वापस उनको ढूंढने के लिए नीचे चलें। और क्योंकि नीचे जाने के लिए एस्केलेटर नहीं है तो हमें लिफ्ट का सहारा लेना पड़ा, और लिफ्ट इतना स्लो था कि आप 3 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे कूद के जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन लिफ्ट से बहुत लेट में पहुंचेंगे। फाइनली एक लिफ्ट आता है, लेकिन उसके अंदर ऐसे लोग हमें घूर रहे थे, और मेरे हाथ में कैमरा था, तो डर के मारे हम वो लिफ्ट को छोड़ दिए और नेक्स्ट लिफ्ट के लिए इंतजार किए। फाइनली नीचे ग्राउंड फ्लोर में पहुंच गए, जहाँ पे मम्मी बहन सारी वगैरह शॉपिंग कर रहे थे। वहाँ मम्मी पापा साड़ियों की शॉपिंग कर रहे थे और हम बोर हो चुके थे, तो इन द मीन टाइम हमने मॉल का वॉशरूम का मुआयजा लिया और चेक किया कि सब बराबर है कि नहीं। फाइनली हम जिस चीज के लिए आए थे मॉल, वहाँ पहुंच ही गए फूड कोर्ट में। यहाँ पे कुल 6-7 काउंटर्स हैं, और आपको एक एटीएम जैसा कार्ड दिया जाएगा, पहले उस कार्ड को फिलअप करना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको जो चाहिए मेन्यू से वो आपको काउंटर में जाके पे करना पड़ेगा। कोरोना के बावजूद भी यहाँ पे लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। फाइनली वो सीन आ गया जो एक देसी मिडिल क्लास फैमिली में देखने को मिलता है, जब जब भी होटल जाते हैं कौन क्या मंगाएगा उसमें कन्फ्यूजन पैदा होता है। सब डिसाइड करते हैं, आप जो मंगाओगे हम खा लेंगे, तू मंगा ले हम खा लेंगे, तू मंगा मैं मंगा, ऐसे करते करते हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। फाइनली हमारी बहन ने डिसाइड किया कि वो जो मंगाएगी हम सब खाएंगे। और इनका डिलीवरी भी बहुत फास्ट था, ऑर्डर करने के मैक्सिमम 7-10 मिनट्स के अंदर आपको आपका ऑर्डर मिल गया। एक स्टार्टर आता है, रावा डोसा। तो ये पहला आइटम हमारा स्टार्टर में आ चुका है, ये रावा डोसा है, और पापा चख के बताएंगे कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? 2000 years later. नंबर वन, सही है, पापा को पसंद आ गया, मतलब टेस्ट अच्छा ही होगा। तो ये एक सांभर मिला है, ये चटनी, और इसके अंदर मसाला है क्या पापा, बताओ। मसाला भी है, नंबर वन मसाला भी है। तो ये दूसरा कुछ आइटम, ये क्या है रे? समोसा चाट है। और इसको क्या बोलते हैं? कॉटेज चाट। ओके। हमारी बहन कोई मौका नहीं छोड़ती जहाँ पे खाने को मौका मिले।
तो ये चिकन तंदूरी है, चख के बताते हैं कैसा है। तंदूरी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये है वे सिज़लर। ये किस नूडल्स, ये क्या किस आइटम से बना है, क्या है एक्चुअली? मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी। तो ये नूडल्स बाहर भी दिख रहे हैं, नूडल्स जैसा दिख रहा है। हां, वेज प्लेटर जैसा ही लग रहा है। तो ये है वेज कॉम्बो। जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही टेस्टी था यहाँ का खाना। एक्चुअली यहाँ पे मैं बहुत बार आ गई हूँ ना, तो उन्होंने आज मुझे कॉम्प्लीमेंट्री डिश दिया है, फिर भी बहुत टेस्टी है। ये होता है बार बार आने का नतीजा। पेट भर खाने के बाद जब हम बाहर निकल रहे थे तो साइड में देखा मल्टीप्लेक्स थिएटर का भी काम अंडर कंस्ट्रक्शन था, जहाँ पे हमने उस इंचार्ज से पूछा कि हम थोड़ा रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो हमने उनको बोला कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो भाई ने कहा कि तुम यूट्यूबर तुम्हारे घर में हो गए, अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो फिर हम अपनी नाक वहाँ से कटाते हुए सोचा कि अब चलो घर जाने का टाइम आ गया, और ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। हमें कोई पहचान ही नहीं पा रहा यहाँ पे, क्योंकि आप वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, इसीलिए चार लोग भी हमें नहीं पहचानते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, आपसे वीडियो देखोगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।